moment's gone before I realize I was out of my way. We sit and talk, I see your crying eyes turning red through the day. अभी तक का बेस्ट जो ये दीदी है बहुत ही अच्छा इनका नेचर है। अभी देखते हैं अगर आज हम लोग लेट हो गए रिटर्न होने में तो भी यहीं रुक जाएंगे। बाकी ये जॉइंट कर दिया था बाजी ने, यहाँ पे टाई बैंड लगा दिया तो ठीक है, मतलब अब ठीक लगेगा, वरना पहले ये नहीं था तो अजीब सा लग रहा था। यहाँ से ये स्क्रू भी टेढ़ा हो गया है, इधर से भी ये स्क्रू टेढ़ा हो गया है, तो ये रिप्लेस करने पड़ेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये शीशा भी चटक गया है यहाँ से, तो ये भी रिटर्न होने के बाद चेंज कराना पड़ेगा। चलो चलते बाय। हाँ, शुरू हो गया आज का एक और एडवेंचर, पता नहीं ये कहाँ ख़त्म होगा, बट जो भी होगा कैमरे के थ्रू आपको मैं दिखाता रहूँगा। बाकी ट्रैकर्स देखो, फॉरेनर्स बहुत आ रहे हैं, ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नेपाल में एक से एक ट्रैक है करने के लिए, लेकिन उसके लिए ना आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ कि अपन ना कैंपर वैन लाइफ जी रहे थे, तो कैंपर वैन लाइफ की वजह से पता क्या हुआ है, बॉडी बिल्कुल ना रिलैक्स हो गई है। बाइकिंग में चाहिए एकदम रफ बॉडी आपकी। आई थिंक परमिट चेक होगा, परमिट चेक। बढ़िया, आप कैसे हैं? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत दिन से आपको ब्लॉग फॉलो करता हूँ। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, एंट्री हो गई है, बाकी अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं राइड। अभी हमें जहाँ पहुँचना है 4 घंटे लगेंगे ऑलमोस्ट। एकदम प्योर नेचर भैया, प्योर नेचर, जहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, और सुंदर भी बहुत लग रहा है। ऊपर देखो हाई पीक्स माउंटेन, बर्फ पड़ी हुई है, वाह। अभी हमें क्लाइम कर रहे हैं आगे, तो अभी मैं राइट में ही चलाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट में चलाने पे क्या होगा कि कहीं अगर स्लिप हुआ तो सीधा नीचे। इस तरीके की जो चढ़ाई आती है ना, यहाँ गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ना देखो मोटे मोटे पत्थर है, तो इन पे जंप्स होती है, जंप्स होती है तो आपकी स्पीड स्लो होती है और बैलेंस बिगड़ता है, और साइड में गड्ढा और आपका पैर ना टिक पाए तो आपका आपको गिरना ही गिरना है, और फिर खड़ी चढ़ाई होती है तो फिर स्लिप होके वापस आना ही है। बाकी बीच बीच में इस तरीके के जंगल भी बढ़ते हैं, दोनों तरफ पेड़, ऐसा रोड जहाँ थोड़ी कैंपिंग वाली वाइब्स आती है। बट काफ़ी देर हो गया, अभी तक कोई गांव नहीं पड़ा यार, वरना पहले तो थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे थे, जो रिवर क्रॉस की थी वही लास्ट पड़ा था। हमें निकालनी पड़ेगी राइट से। क्योंकि हमें लेफ्ट से निकाल रहे हैं क्योंकि राइट में मोटे मोटे पत्थर है, इस पे ग्रिप नहीं बनेगी, स्लिप हो जाएंगे। स्पीति जब किया था उसमें भी कुछ पॉइंट्स इसी तरीके के आए थे, तो तब काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था अपने को। स्पीति में सबसे हंसने वाली बात क्या थी कि टफ से टफ टेरेन कर लिया, और हम जो गिरे, मैं और हर्षित दोनों ही गिरे थे, ऐसे पॉइंट पे गिरे जहाँ बच्चा बच्चा निकाल ले आराम से। अरे बाप रे, ये है बहुत खतरनाक, भाई साहब मज़ा ही आ रहा है। बीच में ना कुछ जगह ऐसे रोड बना हुआ आता है, फिर लगता है ये भी कोई मनांग है यार, रोड बना हुआ है, लेकिन वो छोटा सा पैच होता है। उसके बाद जब ऑफ रोड आता है और ऐसी ढलान आती है और चढ़ाई आती है ना, तब भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक्टिवनेस चाहिए आपको ऐसे पॉइंट पे, आप एक्टिव हो तो बढ़िया है। अब ये देखो ग्रिल निकली हुई थी, लोहे का तार, आपने थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा, आपका वो लोहे का सरिया सीधे टायर के अंदर, मतलब फटाफट फटाफट आपको सोचना है और डिसीजन लेना है क्या करना है। सेकंड भर के सेकंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको। चलो जी, बहुत देर बाद ये एक गाँव पड़ा है, क्या सुंदर लग रहा है भाई।
बहुत सुंदर लग रहा है ये, देखो ना माउंटेन्स कितने हाई पीक्स के। वाओ, ओ भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है माउंटेन्स, देखो यार भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा पहाड़। ओ भाई साहब, भाई इतना ह्यूज माउंटेन वो भी इस तरीके का मैंने आज तक नहीं देखा लाइव। पूरा एक जॉइंट है, बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में कोई दूसरा भी पहाड़ हो। भाई साहब, ओ भाई साहब क्या पहाड़ है यार। अगर आपको मेरे डायलॉग्स अजीब लग रहे हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, लेकिन सच में ये नेचुरल डायलॉग्स निकल रहे हैं मेरे मुंह से। बहुत सुंदर है भाई, कितना स्लिपरी पहाड़ होगा ये सच में। थोड़ा आगे रुक के ना दिखाता हूँ मैं आप, ये देखो भाई साहब ऊपर ऐसे बर्फ पड़ी हुई है मोटी मोटी, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर। भाई बीच में ये एक जगह बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है यार ये, आप खुद ही देखो। कैंपिंग करने के लिए एक नंबर प्लेस है भाई, एक नंबर प्लेस। पेड़ ही पेड़, ऐसा लग रहा है फॉरेन का कोई सीन है। अबे हम फॉरेन में तो है नेपाल के अंदर, ये देखो एकदम पूरा मेडोज। अभी तो ब्राउन ग्रास है लेकिन कमिंग डेज में ग्रीन ग्रास हो जाएगी तो कितना सुंदर लगेगा। वाओ भाई अल्टीमेट प्लेस है यह कैंप करने के लिए। अगर कोई यहाँ पे अपनी कैंपर लेके आया है और उसने यहाँ कैंप नहीं किया तो कोई फायदा नहीं उसका आने का। चलो जी एक ब्रिज फड़ा है, बहुत ही सुंदर है ये, देखो नज़ारे, देखो नज़ारे सामने का माउंटेन देखो भाई। बट वही है ना, जितने नज़ारे खूबसूरत है उतने ही रास्ते खराब भी है। बाकी इस रूट पे पहले दूसरे गियर पे आपकी बाइक चल रही है, दूसरा गियर तो कभी कभी आपके नाम के लिए लगता है लेकिन पहले गियर में आपकी बाइक चलती है। बट ये जगह बहुत खूबसूरत है यार, पता नहीं क्या नाम है इस जगह का, आगे अगर कोई बोर्ड पड़ता है तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज बहुत खूबसूरत जगह है भाई। बाकी भैया शॉर्ट्स लेने के लिए हमें ऐसे भी रुकना पड़ता है कि जहाँ से पिकअप बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। चलो जी सामने का माउंटेन देखो भाई साहब, क्या जबरदस्त दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वाह यार ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी जगह पहुँच गए, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ज़्यादा हाई पीक्स पर आ गए हम अभी। अभी हमें और ऊपर जाना है भाई साहब, लेकिन यहाँ की मिट्टी ना एकदम फिसलनदार है। जो एडवेंचर मैं बाइक में फील कर रहा हूँ ना, गाड़ी में भी होता है लेकिन गाड़ी में उतना एडवेंचर फील नहीं होता है क्योंकि आप बहुत सेफ बैठे होते हो, वहाँ पे गिरने गुराने का डर नहीं होता ना, इसमें गिरने का डर है। एक छोटी सी गलती और आप गिर जाओगे, और गिरने के बाद कितना डैमेज होगा कितनी चोट लगेगी नो आइडिया। हाँ देखा फिसलन, चौकन्ना रहना पड़ता है अन्ना की तरह। तो भैया लेफ्ट साइड में दिख रही एक हवाई पट्टी, तो यहाँ पे कुछ होगा प्लेन वगैरह उतरते होंगे। बाकी अभी हम लोग उतर रहे हैं, कभी चढ़ते हैं तो कभी उतरते हैं, तो अभी हमारी हाइट कम हो रही है। नीचे देखिए ना चक्कर आ रहे हैं, वो आइज ना कैलकुलेशन नहीं कर पा रही है हाइट को खाई को और जो रोड अभी हम लोग चल रहे हैं उसको। और सामने देखो भाई साहब क्या मून लैंड टाइप का दिख रहा है, ऐसे माउंटेन्स ना अपने स्पीति में भी है।
ओके, तो ये है मेन मनांग विलेज, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप का मनांग है जहाँ से हम लोग चले थे, लेकिन ये मेन मनांग विलेज है। अब इससे आगे की तरफ ये लेफ्ट में रास्ता जो जा रहा है, यह है खांगसार विलेज के लिए, जो लास्ट विलेज पड़ता है, उसके बाद सीधा ट्रैक, अगर आगे जा रहे हैं तो ट्रैक करना पड़ता है। मोटरेबल रोड सिर्फ खांगसार तक है। तो बस हम लोग रुके थे फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के लिए, अब आगे की तरफ चलेंगे। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ मोटरेबल रोड, उसके बाद ट्रैक शुरू होता है। बाकी अभी मेरी ना वहाँ पे नज़र पड़ी है, वहाँ पे देखो कैसी केव्स ही बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ केव्स बनी हुई है, बल्कि और भी अंदर की तरफ बनी हुई है। पहले ज़माने में रहते होंगे यहाँ पे लोग। बाकी मनांग विलेज ये रहा, इसके बाद लास्ट विलेज और पड़ेगा खांगसार, जहाँ पे होगी हमारी राइट एंड। वो देखो केव्स देखो, और अंदर की तरफ भी केव्स बनी हुई है। बाकी भैया टावर वगैरह लगे हुए हैं, अगर आपके पास नेपाली सिम है तो यहाँ पे चलेगा। और कैंपिंग करने के लिए भी स्पॉट बहुत सारे हैं, कहीं भी कैंप कर लो। अभी हमें 1 घंटा और लगेगा खांगसार विलेज पहुँचने में। हालत देख के तो लग ही रहा होगा कि कितना एडवेंचर गया है। सच में आपने लास्ट व्लॉग भी देखा होगा, उसमें तो और ज़्यादा बैठ बची, और उसके बाद आज जब रिलैक्स होने के बाद निकले तो मतलब बची बैंड, लेकिन अच्छे से कवर भी कर लिया। फिलहाल पहुंच गए हम लोग मनांग के लास्ट प्लेस में खांगसार। इसके बाद आगे मोटरेबल रोड नहीं है, यहाँ से होती आगे के लिए ट्रैकिंग, लेकिन अभी ट्रैकिंग का हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम लोग आए थे मोटरसाइकिल रोड ट्रिप करने के लिए। तो लो जी, कर दिया हमने न्यू हिमालयन पे, ब्रांड न्यू हिमालयन पे, बूसा पे, हार्ले पे, मनांग का लास्ट पॉइंट कवर। तो पाजी कुछ कहना चाहोगे इसी खुशी में? भाई बस यही कहूंगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सबकी मत सुना करो, अपनी सुना करो, हो गया तो हो गया, नहीं हो तो नहीं हो, ये एटीट्यूड रखना चाहिए। यस, एंड टेक्निकली हो गया, अगर मैं सबकी सुन रहा होता ना मैं घर ही बैठा होता। यहाँ पे हमारा सैम भाई, कैसा रहा? लग रही है बट सच में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम बाइक, क्यों ना तेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि तेरे लिए क्या हमारे लिए भी, कि फर्स्ट टाइम बाइक लेके, और वो भी सिटी टूरर बाइक लेके बंदा ऐसी लोकेशन पे आया है। मतलब एक बार से ये सोचा था कि फॉल्स होंगे, दिक्कत आएंगी, बट ओके, थैंक यू सो मच। बाकी ये दो भाई मिले थे, आपका नाम था? देसी यात्री विकास। ओके, बहुत अच्छा लगा मिलके, ये लोग ट्रैक कर रहे हैं 7 दिन से, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, थैंक यू सो मच। बाकी भाई बता कैसा लगा तुझे? मतलब वही कि मैं बड़ा इजीली आ गया हूँ, अच्छी हाँ। बाइक है, कंफर्टेबल तरीके से किया है, और मतलब जो डर था ना वो डर कुछ नहीं था। नहीं, वो डर तो तेरे में दिख ही नहीं रहा था भाई। भाई मानना पड़ेगा, सैम दीदार को हार्ले को लेके आ गया, बहुत बहुत दम चाहिए सिटी टूरर बाइक चलाने के लिए, खासकर इतने ऑफ रोड वाले पैच पे। चलो यहाँ से खांगसार को करते हैं टाटा बाय बाय, और फिर चलते नीचे कुछ खाते पीते। यार देखो एंड वाइंड पे पहुँचने के लिए ना इतना तो कुछ खास होता नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन जो खुशी मिलती है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये देख लो सामने के नज़ारे बहुत खूबसूरत है, इससे भी ऊँची ऊँची पीक्स हैं जो अभी आपको जाते वक्त देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल अभी लग रही है हमें बहुत ज़ोरों से भूख, तो अपन जब आए हैं, जब राइडिंग विद पीस आया है, तो भैया कुकिंग तो होना बनता ही है ना, बिना कुकिंग के तो हमारी जर्नी अधूरी है। अब चलते कहीं एक अच्छी से सुंदर सी जगह पर रुकते हैं और अपना आज का लंच करते हैं। वाह भाई साहब, आप जब वापस की तरफ निकल रहे थे कितना अच्छा लग रहा है, वरना ऐसा लग रहा था कि रोड कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, फाइनली ख़त्म हो ही गया। अब हमारी शुरू हो रही है रिटर्न जर्नी बेसी शहर के लिए, जहाँ पे हमने छोड़ा था अपना सारा लगेज। पता नहीं आज हम पहुँचेंगे या फिर आज कहीं हम लोग स्टे करेंगे, देखते हैं, अभी ये डिसाइड करेंगे। जो पीछे विलेज पड़ा था मनांग, मेन मनांग विलेज वही है, वहाँ पहुँच के देखते हैं हम क्या करते हैं आगे का डिसीज़न। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि गला बैठा हुआ है, कोल्ड का फोरक है, फीवर चढ़ा हुआ है, चक्कर आ रहे हैं, फिर भी मैं राइड कर रहा हूँ,
क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन थी मनांग का लास्ट विलेज जो हमें कवर करना था और वो हमने कर दिया। ड्रोन बज रहा है क्या? बज रहा है? ड्रोन तो मेरे पास है। तो हम यहाँ मैगी बनाते मैगी बनाते बनाते उसको चुल मची सेल्फी लेता है हल्का सा से सपोर्ट लिया और बाइक गिर गई। चलो जी हमारी मैगी बनके हो गई है रेडी। डिस्पोजल्स हम लोग लेके आए थे इसके अंदर डिवाइड करेंगे और मजा आ रहा है पाजी। अच्छा लग रहा है आपको? वैसे आपको अजीब तो नहीं लग रहा ये सब करते हुए? मजा आ रहा है मैं कह रहा हूँ, बहुत ना एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पीस मिल रहा है, एक्चुअल वाला पीस। लो जी हमारी मैगी बनके अभी रेडी। तो भैया हमने मैगी तो खा लिया, मैगी के बाद बारी आ गया चाय की। चाय। तो उधर अदरक छीली जा रही है, अदरक भी डलेगी लेकिन इस बार जो दूध है हमारा पाउडर वाला है, लेकिन ये पता कितना एक्सपेंसिव पड़ा है, 475 रुपए का। अगर ये चाय ना बनती तो ना दंगे हो जाते। सही में 500 रुपए का दूध खरीदा हमने नेपाल से, इसने अदरक पहले डाल दी। हाँ पानी अच्छा रहेगा ना और बढ़िया रहेगी। और ये हमने डाल दिया लौंग इलायची। तो कुकिंग तो मैंने बहुत किया लेकिन इस तरीके से कुकिंग पहली बार हो रही है अपनी लाइफ में थे, क्योंकि जमीन के ऊपर जो बैठ के हम लोग कुकिंग कर रहे हैं ना इसका मजा ही अलग है। बाकी अभी चाय बन गया, पाजी ने बनाया अपने हाथों से मैगी चाय, पाजी को मजा आ रहा है। सेटअप खोल के दे दो बस। तो सेटअप कर दिया था पाजी ने, बनाया पाजी ने कर दी कुकिंग और ये भाई साहब बर्तन धो के ला रहे हैं, मतलब टीम वर्क हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं कि एक ही बंदा काम कर रहा है। चाय बढ़ रहा है बिल्कुल बढ़िया, बट ये वीडियो मेरे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए भैया। घर पे मैं कुछ नहीं बनाता हूँ, सिर्फ बाहर आके बनाता हूँ, बीवी देख लेंगे। तो भाई यही होगा हर संडे हर मॉर्निंग सुबह होगी, चाय बना दो, पराठा बना दो, आमलेट बना दो। लो जी बन गई चाय, चीयर्स। लो जी आप चलते हैं सीधा वापस की तरफ। लो जी पहुंच गए और हमने यहाँ पे खड़ी कर दी अपनी बाइक के। आज मनांग विलेज के अंदर हम लोग स्टे कर रहे हैं, इसके अंदर हमने रूम लिया है। रूम तो देखो 500 रुपए का है, बहुत रीजनेबल है, आपको स्टे यहाँ पे ना बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जो खाना है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बस यही आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। बाकी हमारी बाइक यहाँ खड़ी है, पाजी की भूसा हमने ठीक वहाँ खड़ी कर दी है और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, वाइब्स बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर गाँव है, देखने लायक है, मज़ेदार। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरी बॉडी में ना कप कपाट छूट रही है अभी, तो बस कहीं अच्छी सी जगह बैठते हैं और उसके बाद मैं पैरासीटामोल खाता हूँ ताकि फीवर डाउन हो सके। अब ऐसी जगह आए तो बेड में क्या पड़ूँ, सोचा थोड़ी देर घूम लेते हैं। और ये देखो हाइट में देखो, ये माउंटेन है, कितना हाई पीक माउंटेन है भाई साहब। लो जी कितनी सुंदर बेकरी है भैया यहाँ पे मनांग के अंदर, सोच सकते हो इतना ऑफरोड करने के बाद भी हमें ऐसा फूड खाने के लिए मिलेगा। और ये देखो क्या डिस्प्ले है, सारे तरह की फैसिलिटीज़ है, सारी वैरायटी अवेलेबल है, बस आपको जिम में पैसे लाने हैं, भर के लाने हैं। आपको लगता है अभी इंडियन करेंसी नेपाली में कराए तो बहुत ज्यादा पैसे आ गए? नहीं, उसी चीजें भी महंगी है। यस ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है।